What is up guys, कैसे हो आप लोग? So today we are going for another long ride. It's kind of a long ride, maybe like a 300-350 kilometer ride today. I will be traveling from my place in Kullu to Chandigarh. Now this travel is something that I have to do to take a flight from Chandigarh to Bangalore, and we are starting very early today and it's almost pitch dark right now. Let's see how the ride goes. I just wanted to show you the morning views when we are riding out from the mountains. So that is how our Tiger looks like. I am planning to carry just one bag, which is the Rhinox Navigator 50 liter tank bag. We are almost like 300 kilometers shy from the first service. So Chandigarh jayenge, wahan se I'll be going to Bangalore. As I said, Saturday ko hopefully morning I'll be back, and hopefully we'll get the first service done on the Tiger as well, which is very important. Himachal mein as such koi showroom to hai nahi service ka, so Chandigarh se hi service karwani padti hai. So guys, let us get started on this ride. Abhi aapko kuch dikh nahi raha hoga, but let me just switch on the display, the Tiger display, and the headlights hopefully will increase the visibility of this beast. The time right now is what, 4:16 a.m. Temperature, as you can see, is almost 12 degree Celsius. Full आगे ox lamps भी हमने on कर लिए हैं. ये देखो low beam है ये tiger की और ये high beam है. ठीक ठाक सी visibility रहती है इसकी. एक बार जरा main road पे पहुँचते हैं और आपको बढ़िया scenes दिखाते हैं. मंडी, भुंटर, चंडीगढ़, दिल्ली. सुबह सुबह इस एरिया में राइड करने की फीलिंग ही कुछ और है. ये सामने जो गाड़ियों की लाइट आ रही है ना, ये दिमाग खराब कर रही है, बट अदरवाइज यू लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनरी गाइस. दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम जहां थोड़ी सी स्ट्रीट लाइटिंग आई है, वो भी खत्म हो गई एक मिनट में. आई नो द विजिबिलिटी इज नॉट ग्रेट, द GoPro माइट नॉट बी कैप्चरिंग द एग्जैक्ट सीन लाइक आई एम सीइंग फ्रॉम द आईज, बट दिस इज प्योर ब्लिस, ट्रस्ट मी गाइज. Heading out on your motorcycle in the mountains early morning is something that you will always love. This is like a beautiful time to ride. No traffic at all. Have a look at those clouds that are, you know, just playing around with the mountains. This is the amazing weather that you get in Himachal. It's very difficult to imagine. It's like almost 40-41 degrees in Delhi. But here, I am wearing a base layer, guys. यहाँ सर्दी से बचने के प्रोग्राम बन रहे हैं और वहाँ गर्मी झेली नहीं जा रही है. So guys, look at this view. This is something that can make anyone go mad with happiness. This is pure happiness while riding. हरियाणा वाले आ गए हैं इनोवा लेके. सो अब ये सामने हमारी है इनोवा आ गई है हरियाणा वाली. ये भाई चला रहा है तेज, बढ़िया. तो हम इसके डायरेक्टली पीछे रहेंगे, इसकी लाइन फॉलो करेंगे. उससे ना टेंशन थोड़ी सी खत्म हो जाती है कि आगे गड्ढा आ रहा है नहीं आ रहा, आगे कुछ रोड पे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा. एक टाइम पे 2017-16-15 में जब आते थे इस साइड पे, तो ये रोड कुछ थी नहीं यार, यहाँ पे तो रोड ही नहीं थी. मतलब एक साइड टू लेन्स है, उससे भी छोटी रोड होती थी ऑट और कुल्लू के बीच में. एंड प्रॉपर हमेशा ही प्रॉब्लम रहती थी यार यहाँ पे, रोड कंस्ट्रक्शन, कीचड़. इट वुड ऑलवेज सीम लाइक अ मड बाथ अगर इधर आ रहे हो तो. बट नाउ इट्स लाइक अ ब्रीज, ऐसा लगता है कि नीड फॉर स्पीड की ट्रैक पे चला रहे हैं. बुलट वाले बाबा ने एकदम हमें ओवरटेक किया है कि भैया हम तो निकलेंगे आगे. निकलो जी, जाओ जी. मैं जैसे ही कैमरा बंद करता हूँ कुछ नया आ जाता है. वी आर नाउ एंटरिंग इनटू द ऑड टनल, द फर्स्ट टनल ऑन द रूट. एक्चुअली दिस इज लाइक द 14th टनल व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम कीरतपुर टू मनाली. 14 टनल्स आती हैं इस समय. दिस इज द टाइम व्हेन ऑल दीज वॉल्वोस कम. ये टनल तो बिल्कुल ऐसी लगती है अंदर से जैसे विक्रम बेताल देखते थे ना बचपन में, उसमें एक गुफा होती थी. ये उस टाइप की जंगल की कोई गुफा वगैरह लगती है. यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है 16 डिग्री सेल्सियस. अब 11 से स्टार्ट किया था, इनफैक्ट 10 से स्टार्ट किया था जब मैं उठा था, तो ऑलरेडी 6 डिग्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर.
ये रूट अब एक्चुअली ना मुझे ले श्रीनगर हाईवे की याद दिलाने लग गया है। मनाली के रूट पे 100 पे बाइक चलेगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे। किसने सोचा था भाई आज से 3-4 साल पहले। सो दिस इज लाइक अमेजिंग वर्क, सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग, मेकिंग द रोड्स बेटर। हर चीज में बुराई नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजों में अच्छाई भी करनी चाहिए। एंड एज वी से दिस वी एंटर टनल नंबर 12। वाओ, ऐसी टनल किसी ने सोची थी क्या 4-5 साल पहले? मतलब कई सालों से लोग मनाली के रास्ते पे आ रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। ओवरऑल द हाईवे इज नाउ इम्प्रूव्ड सो मच, इट इज बिकम सो मच मोर कंफर्टेबल, वेल लिट, वेल मार्क्ड, ऑल द मार्किंग्स आर देयर, यू हैव अ प्रॉपर लेन ऑन द लेफ्ट एंड द राइट टू वॉक इन केस देयर इज एनी इमरजेंसी। एंड टू टॉप इट ऑल, दीज आर ट्विन टनल्स, टनल नंबर 11। वाओ, भूल गया भाई, 5,000 RPM से नहीं ले जानी ऊपर गाड़ी, एकदम से खोल दी मशीन। 120-115 इज द मैक्स दैट आई कैन डू राइट नाउ। सो थोड़ा सा माहौल को शांत करते हैं, क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दी है हमने बाइक, 91 km/h, जस्ट चिल गाइस। थोड़ा ब्रेक लगा ले। ये ऊपर क्या बना रहे हो भाई, कब खुलेगा ये? इतने ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर्स क्या बना के मानोगे तुम लोग? मैं बिल्कुल ही घुसाएगा क्या? So these are the times when you don't actually complain about having road tires. जब twisties आते हैं ना तो lean करने में थोड़ा बहुत जो मैं करता हूँ lean, मैं ज़्यादा तो करता नहीं हूँ, इसमें एक अलग ही पन आता है, एक अलग confidence आता है। बस ही बस आई जा रही है भाई, कितनी लंबी है तू, पिछवाड़ा पूरा घुसने वाला था बाइक में। We are going towards Chandigarh and then from there we'll be taking a flight and we'll be going towards Bangalore. So कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? सुबह 4 बजे हिमाचल से स्टार्ट करके आज हम लोग सीधे जाएंगे बैंगलोर, शाम को 5 बजे we'll be in the south part of India. Wow, what a beautiful city, beautiful. Saddle करो इधर, chill मारो guys. तो आ गया है टाइम फ्यूल भरवाने का। काफ़ी देर से मज़े ले रहे थे फ्यूल रेंज के साथ, 29 किलोमीटर्स की रेंज रहती थी। ये बैग यहाँ से थोड़ा सा लूज हो जाता है, ऑलमोस्ट 1,650 रुपये का खाना खा गई यार ये टाइगर। क्या धुआं मचा रहा है भाई तू, so a lot of folks who want to get started with riding, they have this question in mind, how can you remain so comfortable while riding a motorcycle for almost 10 hours 12 hours 14 hours in a day? How do you get used to sitting on the saddle for so much time? The simple answer to that is, it depends on two things. One is the quality of the seat and the comfort the motorcycle provides. Once you have taken the motorcycle, you can't do much about it. But the second thing that is very important is the inner layers that you wear. It is very important to know what sort of inner layers you need to wear in the bottom half of your body. So specifically speaking, I'm talking about what sort of undies you wear. Now the normal underwears that most of us wear have seams on the edges. What that does is, if you are sitting like 10 hours, 12 hours, 14 hours on the saddle, those edges of your undies will kind of create a mark on the skin on your butt. Hour on hour, that mark will get more painful, because when you are riding consecutive days for 10 hours, 12 hours, the same area will get irritated when you are wearing those similar sort of undies, right? So what you need to do is buy some good inner layers. This could be as simple as getting a good pair of cycling shorts.
try using the boxers instead of the normal undies. Those also do not have any seams. So while riding, no seams means no marks on your butt and no irritation when you're riding day after day for 10, 12 or 14 hours. So this is where we start the new highway. The old route was something that you would take on the left, and if we go straight from here, we get into the route that takes us through the tunnels. Chandigarh is what, 130 from here? Easy hai yaar. Agar ye route aisa hi raha to badhiya rahega. We should be there in about 2 hours max. 8:30 tak pahunch jana chahiye. Continuous ride karni padegi, and we enter the tunnel. Hola, hola. Into another tunnel, as you can see. टनल के अंदर गर्मी है, टनल के बाहर सर्दी है. सो ये जो न्यू हाईवे है, इस पे ये वाला स्पॉट ना बहुत ही अमेजिंग है. यू लुक एट द लेफ्ट, दिस एरिया. वाह यार, वो सामने ब्रिज जा रहा है, हमने वहाँ से लेफ्ट लेना है. नॉट श्योर ये सन का जो डायरेक्शन है इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट दिस इज द बेस्ट व्यू दैट आई कैन गिव. एज वी स्पीक आई थिंक वी आर एंटरिंग व्हाट, टनल नंबर 3, राइट? इससे पहले एक टनल बनी है, आई लव महादेव. यो ब्रो, आई लव हिम टू. ये एकदम से अंधेरा है इस टनल में, कुछ नहीं नजर आता. इधर पंगा है, ये है, एकदम से लाइट गायब हो जाती है. काल कोठरी में आ गए भाई. तो अभी हम ना बिल्कुल लास्ट स्ट्रेच पे आ गए हैं इस हाईवे के. यहाँ से हमें एक लेफ्ट लेना है, कहाँ से लेना है मुझे नहीं पता, थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, जो सीधे हमें स्वारघाट हिल टॉप पे ले जाएगा. सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक अ लेफ्ट. सीधा चलेगा, टनल खुला है स्वारघाट. ओह माय गॉड, द गाय टोल्ड मी कि स्वारघाट का टनल ओपन है. मतबल हम पूरा सीधा जाएंगे फुल टनल से. क्या बात कर दी भाई आज तो, मतलब ओ ये आते हुए नहीं खुला था 5 दिन पहले. लेट्स सी वेयर दिस टेक्स अस नाउ. भाई इसमें भी अंधेरा है, आ जाओ काल कोठरी में. OMG, इधर रोकते हैं, एक पिक लेते हैं यार इन टनल्स के सामने. सो गाइज, आई हैव जस्ट टेकन अ ब्रेक आफ्टर क्रॉसिंग टनल नंबर 2 राइट बिहाइंड मी. दैट इज द टनल नंबर 2. दिस वॉज नॉट ओपन्ड 3 or 4 days बैक व्हेन आई वॉज राइडिंग, डूइंग एक्चुअली माई फर्स्ट राइड ऑन द रैली प्रो, ब्रिंगिंग इट फ्रॉम नोएडा टूवर्ड्स माई प्लेस इन कुल्लू. नाउ इट्स ओपन. सो नाउ वॉट वी कैन एक्सपेक्ट इज जस्ट 3 hours राइड फ्रॉम मनाली टू कीरतपुर. आई इन फैक्ट स्टार्टेड फ्रॉम कुल्लू एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द हिल्स, एंड इट्स लाइक वॉट, two and a half hours max, right? So this has dramatically reduced the time and it's just a creamy ride. The roads are just near perfect. Some of the tunnels do not have the right lighting right now, but most of the tunnels, I would say 8 out of 10 tunnels are having everything ready. Like the tunnel that you see here, this one, the bus is coming out, but it does not have any sort of lighting inside. So when you're riding on your bike, one issue that I was facing was I was wearing these goggles while riding, and suddenly when you enter the tunnel, it's completely dark and you're like, kahan aa gaya main, kal kotri mein aa gaya main, kaise chalaun bike ko. So it's like you have to be a little careful at that time, otherwise everything is going just fine. And the Tiger is performing just beautifully. What a beautiful machine, just looking stunning. By the way, I'm in love with how the machine looks. The purposeful looks of this adventure tourer are amazing. अब देखते हैं इस टनल नंबर 2 से कितना दूर है प्लेन्स का स्टार्टिंग पॉइंट. ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, अगर टनल नंबर 2 खुली है तो 1 भी खुली होगी. इज द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी क्रॉसिंग टनल नंबर 1. ओ क्रेजी, डोंट टेल मी आई एम जस्ट गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ स्वारघाट. मतलब ये ना कैसी फीलिंग है बता नहीं सकता. इतना ज्यादा स्ट्रगल करा है ना हम लोगों ने माउंटेन्स पे. ये वाले लगता था 8-8 घंटे लगते थे स्वारघाट की स्टार्टिंग से मनाली पहुंचने में, एंड नाउ इट्स लाइक जस्ट व्हाट, 3 hours. कहां आ गए भाई, कहां आ गए.
वाओ, चलो जी हो गए पहाड़ खत्म। व्हाट, कहाँ पे था मैं? 4:30 बजे निकल के, कब था, 6 बजे मैंने मंडी क्रॉस कर रहा था। 6:10 पे आई वॉज क्रॉसिंग सुंदर नगर। 6:10 से 7:12 है टाइम यार, इट्स व्हाट लाइक 1 आवर 2 मिनट्स, 1 आवर। इसमें भी मैंने थोड़ी देर रुक के बीच में वीडियो शूट किया, एक दो जगह एक्स्ट्रा रील वील बना रहा था। व्हाट, 1 घंटा सुंदर नगर से? भाई हद हो गई, हद हो गई। A few moments later. पंचकुला स्ट्रेट, चंडीगढ़ स्ट्रेट। Okay, this is new चंडीगढ़। Nice. भाई पहले ही इतनी तेज नींद आ रही थी, और ऊपर से ये जो 45 की रिकमेंडेड स्पीड लिमिट है चंडीगढ़ में, इससे तो ज़्यादा जा ही नहीं सकते। सो आ गए हम किसी तरह से धूप में झुलसते हुए एट सेक्टर 25 पंचकुला। This is where I'll hopefully meet Vikram. कहाँ लगा दूँ, अंदर लगा दूँ? उफ भाई साहब, 10 डिग्री से 32 डिग्री में आ गया मैं। अरे अंदर से बैठना, अगर कहाँ जाना क्या पता। So this is where we have parked our Tiger 900 at Vikram's place, and now we are heading towards the airport to catch a flight. So that is our Rhinox bag, is still doubling up as something that we can use to do an official trip. So guys, we have just reached the Chandigarh airport, and thoda sa bhagdar si mach gayi thi because we got late. Bike wahan pe parked hai, and I'll be back to Chandigarh in a couple of days, and then we'll get some stuff done. Majorly I want to get the first service done, which is at 1000 kilometers, and thoda sa bike ki halki si tuning karwani hai, because first 1000 kilometers is like adjusting to the new motorcycle. So that was it for today's video, the ride from Manali towards Chandigarh and to the airport. Now I'll see you in the next one. Bye bye.